करो सती समझो। छल से उस पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट कर दिया। जैसे ही पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट किया मेरे भगव श्रोताओं, हुआ क्या? राक्षसी वेश में जैसे ही आया और राक्षस को सामने खड़ा देखा, मैया के पसीना छूट गया, पैरों तलक जमीन खिसक गई, ऐसे प्रतीत हुआ जवाब दिया, अरे नीच तेने मेरे साथ ये क्या कर दिया। मां पछाड़ खा करके जमीन पर गिर गई, जवाब दिया, पापी दुराचारी ने, सुन मेरी बात, अरे तेरो स्त्रियों के अंदर शक्ति कितनी होती है। नीच जवाब दिया, राक्षस ने बोला, पवन रेखा मैंने तेरी गोदी खाली देखी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तेरी गोदी हमने भर दी, हमने कौन सा बुरा कर दिया। जवाब दिया, पापी और नीच दुराचारी, पता नहीं बालक कैसा होगा। जवाब दिया, मेरे जैसा होगा। हाँ तेरे जैसा होगा नीच, जैसा पिता होता बस वैसा ही पुत्र होता।
जवाब दिया पागल हो, हमसे भी बलशाली होगा। पता कैसा होगा इसके बारे में बताऊं, पुत्र के बारे में पता नहीं किनका पुत्र पैदा होगा, मेरा पुत्र पैदा कैसा होगा वो मैं बता रहा हूँ। वो नीच बोला, इतनी बात तो ये सुन और आगे, कितना बलशाली होगा किसी नर में ताकत नहीं है मेरे पुत्र से हाथ भी मिला ले, ऐसा तो पुत्र होगा ध्यान रखना। जवाब दिया सब, मेरे समान से भी ताकतवर होगा, किसी नर में ताकत नहीं मेरे पुत्र से हाथ भी मिला ले। और ध्यान रखना संतों को बहुत सताएगा, इतनी बात पहले बता रहा हूं। और स्वयं पुत्र को मारने के लिए स्वयं भगवान को इस भूतल पर आना होगा, इतना तो बलशाली होगा। इतने शब्द जैसे ही कहे अंतर ध्यान हो गया नीच, वो ही सहेलियां मिल गई। जब सहेलियां मिली हैं बेई सहेलियां वापस मिली, सहेलियों के साथ में मैया ने कोई बात सहेलियों को नहीं बताई। घर आ गई, घर जैसे ही आई समय चिंता लगी है कब वो समय आएगा इस नीच का जन्म होगा। समय समय बीत होता चला गया, वो ही समय आ गया प्रसव की पीड़ा का। प्रसव की पीड़ा मैया को सताई मेरे भगव श्रोताओ, तो बालक के जन्मते समय माताओं ध्यान रखना,